डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th की SST। SST में सबसे फर्स्ट सेक्शन है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री के इस फर्स्ट सेक्शन में आप यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट सेक्शन में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उसके बाद इसी में रशियन रेवोल्यूशन, और उसके बाद राइज ऑफ नाजीज्म, नाजीवाद का जन्म, फ्रांसीसी क्रांति और रशिया की क्रांति, जिसमें चैप्टर 1 फ्रांस की क्रांति आप स्टडी करेंगे। इसका जो इम्पैक्ट पड़ा पूरे विश्व में फ्रांस की क्रांति का, कैसे आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम या इक्वलिटी, इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने दी है पूरे विश्व को। और सेकंड पार्ट, जो सेकंड चैप्टर होगा, उसमें हम स्टडी करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप। रशिया की जो क्रांति हुई उससे सोशलिज्म में कैसे आया, और जार निकोलस का अंत कैसे हुआ। और नेक्स्ट जो पार्ट होगा चैप्टर 3 में, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे जर्मनी में हिटलर का जन्म हुआ, मीन्स नाजीवाद का जन्म यहाँ पर होता है। हिटलर के द्वारा क्या क्या किया गया और कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना नाजीज्म के जन्म से। और इस प्रकार मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन 9th की SST में यहाँ पर किया जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट लेसन ऑफ क्लास 9th। NCERT का ये सिलेबस है जो कि CBSE या स्टेट बोर्ड्स के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इस लेसन में हम देखेंगे कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। अब 14 जुलाई की बात है 1789 की सुबह, पेरिस नगर में जो है, सिटी ऑफ पेरिस में क्या था, स्टेट ऑफ अलार्म मीन्स अलार्म, आतंक का माहौल था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। अब जो किंग था, वहाँ का सम्राट था, उसने जो है सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। जो ट्रूप्स मीन्स सेना की टुकड़ी को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। र्यूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। और र्यूमर मीन्स अफवाह ये फैली थी कि वो सेना को जल्दी ही अपने सैनिकों को ऑर्डर देने वाला है। क्या ऑर्डर? फायर अपॉन द सिटीजन, की जो नागरिक हैं उन पे गोली चलाने का आदेश देने वाला है। सम 7,000 मैन एंड वोमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड इट डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपुल्स मिलिशिया। अब लगभग 7,000 मैन और वोमेन वहाँ पे टाउन हॉल के सामने एकत्र होते हैं। उन्होंने एक जो है जन सेना गठन का निर्णय वो लोग लेते हैं। पीपुल्स मिलिशिया मीन्स जन सेना, लोगों का संगठन बना के सेना बनाने का निर्णय वो लोग लेते हैं। दे ब्रोक इन टू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, हथियारों की खोज, सर्च ऑफ आर्म्स का मतलब है हथियारों की खोज के लिए। दे ब्रोक इन टू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग थे उनको जो है वहाँ पर प्रवेश करके गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ दिया। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च्ड टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन द बास्टिल वेयर दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड अम्यूनिशंस। अब फाइनली क्या हुआ, सैकड़ों लोगों का एक जो समूह था पेरिस के ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी मीन्स पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा, जहाँ पर बास्टिल का किला था। अब इसमें क्या था, जहाँ पे भारी मात्रा में इस किले में जो है बास्टिल का जो किला था उसमें गोला बारूद मिलने की संभावना थी। होप्ड टू फाइंड होर्डेड एम्युनिशन मीन्स गोला बारूद मिलने की, मीन्स हथियार मिलने की वहाँ पे संभावना थी। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ बास्टिल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर रिलीज्ड, तो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम। अब हथियार वहाँ पे मिलने की संभावना, हथियारों पर
कब्जे की इस लड़ाई में बास्टिल का जो कमांडर था, बास्टिल का, वो किल्ड मीन्स मारा गया, और जो प्रिजनर कैदी थे वो छुड़ा लिए गए। लेकिन उनकी संख्या केवल 7 थी जो कैदी थे वहाँ पे। येट द बास्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। अब बास्टिल का किला लोगों का घृणा का केंद्र था, उसको हेट करते थे सब लोग, क्योंकि सम्राट की जो निरंकुश शक्तियाँ थी, डेस्पोटिक पावर, निरंकुश शक्तियाँ थी, इसका ये केंद्र था, इसका प्रतीक था बास्टिल का दुर्ग। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट वॉज सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश्ड टू कीप अ सोवनीर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। अब इससे इसलिए इस किले को तोड़ दिया गया, ढहा दिया गया, और उसके जो अवशेष थे, फ्रेगमेंट्स, जो बचे हुए अवशेष थे, उसको बाजार में उन लोगों को बेच दिया गया हु विश्ड टू कीप, किन लोगों को, जो इस ध्वंस के जो कबाड़ था, इसको स्मृति के रूप में, सोवनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, मीन्स स्मृति के रूप में इसको, ध्वंस को जो है सजोना चाहते थे, अपने पास रखना चाहते थे। अब आगे क्या होता है देखो। द डे दैट फॉलोड सो मोर राइटिंग बोथ इन पेरिश एंड कंट्री साइड। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिश और देश के देहाती क्षेत्र में, जो है विलेज वाले एरिया में भी, कंट्री साइड में बहुत ज़्यादा संघर्ष यहाँ पर रहता है। मोस्ट पीपुल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अधिकांश जनता जो है, महंगी जो ब्रेड हो गई थी वहाँ पे, उसकी कीमतों का प्रोटेस्ट में से विरोध कर रही थी। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियन लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशंस ऑफ द किंग इन फ्रांस। अब इस दौर में जो है, इतिहासकार लिखते हैं कि लंबे घटनाक्रम में, बिगनिंग ऑफ द चेन ऑफ इवेंट्स का मतलब है शुरुआती जो कड़ियाँ थी, फ्रांस के सम्राट को जो है, लेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में, तो इस घटनाक्रम का महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेटेड दिस आउटकम। हालांकि अधिकांश लोग ने, जब ये संघर्ष हुआ था, ऐसी उम्मीद नहीं लगाई थी कि इस प्रकार आगे को ये नतीजे मिलेंगे। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आगे को हम विश्लेषण में पढ़ेंगे। यहाँ पर फिगर नंबर 1 दे रखा है, स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल का कैसे जो है विध्वंस होता है। सून आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ बास्टिल आर्टिस्ट मेड प्रिंट कॉमेमोरेटिंग ऑफ द इवेंट। इस घटना की याद में जो है, जो बास्टिल का ध्वंस हुआ था इस किले का, चित्रकारों ने बहुत सारे चित्र प्रिंट किए थे, बनाए थे आर्टिस्ट ने। नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर दिया है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में मीन्स 18वीं शताब्दी जब जाने वाली थी, लेट 18th सेंचुरी में, उस समय कैसी थी फ्रांसीसी सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में यहाँ पर दिया है। इन 1774 लुई 16 ऑफ द बोरबोन फैमिली ऑफ किंग एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। अब 1774, 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16 जो है फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है, थ्रोन ऑफ फ्रांस, फ्रांस की राजगद्दी पर वो आसीन होता है। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटे। अब उसकी उम्र केवल 20 साल की होती है, और उसका जो मैरी है, विवाह है, किसके साथ होता है, ऑस्ट्रेलिया की जो राजकुमारी है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रिया इज अ यूरोपियन कंट्री है, उसकी जो राजकुमारी है मैरी एंटोनेट से उसका विवाह होता है।
Upon his accession, the new king found an empty treasury. अब राज्यारोहण तो उसका एक्सेशन मीन्स राजपाट तो उसको मिल गया है, लेकिन एम्प्टी ट्रेजरी राजकोष जो है उसने खाली पाया. लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर है ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. लंबे समय तक युद्धों के कारण, फाइटिंग के कारण फ्रांस के वित्तीय जो संसाधन थे वो नष्ट हो चुके थे. एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल. वर्साय का जो विशाल महल था, इमेंस पैलेस मीन्स जो बहुत बड़ा महल था वर्साय का, उसकी जो राज दरबार का जो मेंटेनेंस होता था उसके खर्च के लिए बहुत ज़्यादा खर्च, फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था, क्योंकि वो शान और शौकत बनाए रखने के लिए खर्चे करते थे. अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फॉर्म ऑफ अ कॉमन एनिमी ब्रिटेन. अब लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने जो है यहाँ पे अमेरिका भी एक देश यहाँ पे आया है. फ्रांस ने अमेरिका के जो 13 कॉलोनी थे, उपनिवेश जिसको कहते हैं, को ब्रिटेन से आज़ाद करने में सहायता की थी. द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लिब्रे जो वहाँ की एक करेंसी है टू डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिब्रेज. अब इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज जुड़ गया था, जबकि पहले केवल 2 अरब लिब्रे का बोझ उस पर चढ़ा था. लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स. अब जो लैंडर्स थे, कर्जदाता थे, अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे उनको. सो फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिग्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंट ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन. अब हुआ क्या, फलस्वरूप फ्रांसीसी जो सरकार थी उस बजट का बड़ा हिस्सा दिन प्रतिदिन कर्ज चुकाने के लिए उसका जा रहा था, क्योंकि 10% तो उसका ब्याज के रूप में चले जा रहा था, इंटरेस्ट के रूप में. टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज द स्टेट वर फोर्स टू इंक्रीज टैक्स. अब इस सब के लिए, इन खर्चों को चुकाने के लिए नियमित जो उनके खर्च थे, जैसे सेना का रखरखाव है, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, यूनिवर्सिटीज की मेंटेनेंस के लिए, इन सब के लिए जो है इन्होंने करों में, टैक्सेस में वृद्धि की, ताकि ये एक्सपेंसेस और मेंटेनेंस का खर्च यहाँ पे निकल सके. येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट. अब ये कदम भी काफ़ी नहीं था, इसमें भी उनको सक्सेस नहीं मिली. टैक्स जो बढ़ाया गया यहाँ पे, फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट. दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. फ्रेंच की जो जो समाज था, फ्रांसीसी समाज 18th सेंचुरी में, उसको 3 स्टेट्स में बांटा गया था. 3 स्टेट एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द 3rd स्टेट पे टैक्स. अब देखो महत्वपूर्ण बात यह है, जो 3rd स्टेट था वहाँ पे टैक्स देता था. अब ये 3 स्टेट क्या थे, राइट साइड में आप देख सकते हैं. 1st स्टेट जो है कलर्की मीन्स जो पादरी वर्ग होता है. 2nd स्टेट है नोबल्टी जो कुलीन वर्ग, राजशाही वाला वर्ग. और 3rd स्टेट जो लोग टैक्स देते थे वो लोग कौन थे, आपके जो बिग बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट हैं, व्यवसायी, व्यापारी और कोर्ट ऑफिशियल जो कोर्ट के, अदालत के कर्मचारी हैं, लॉयर है, वकील. और उसमें पीजेंट और आर्टिजन भी आते थे, किसान और कारीगर. और स्मॉल पीजेंट छोटे किसान, लैंडलेस लेबर जो भूमिहीन मजदूर थे या सर्वेंट नौकर थे. नोट यहाँ पे सोसाइटी, अ सोसाइटी ऑफ स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के जो आता है बोर्ड पेपर में भी. नोट दैट विथ इन द 3rd स्टेट वर रिच एंड पुअर्स. अब ध्यान दें कि 3rd स्टेट में कुछ अमीर लोग भी थे, जैसे बिग बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट हैं, और ये पीजेंट, आर्टिजन, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, कुछ गरीब लोग भी यहाँ पर थे. द सोसाइटी ऑफ, नेक्स्ट पैरा देखेंगे. द सोसाइटी ऑफ द स्टेट वॉज पार्ट ऑफ फ्यूडुअल सिस्टम. अब यहाँ पे देखो, फ्यूडुअल सिस्टम, सामंती व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, सोसाइटी फ्यूडुअल सिस्टम पे चलती थी यहाँ पे. दैट
डेटेड बैक टू द मिडिल एज, मीन्स जो मिडिल एज में मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। द टर्म ओल्ड रिजिम इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। अब 1789 से पहले राजतंत्र पद का प्रयोग पहले से ही किया जाता था, फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए इसका प्रयोग होता था। नाउ फिगर नंबर 2 क्या शो कर रहा है यहाँ पे, सोसाइटी स्टेट, ये फिगर आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये शो करता है हाउ द सिस्टम ऑफ द स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज। द पीजेंट मेड ऑफ अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। अब जो पॉपुलेशन थी 90%, उसमें से किसान थे, 90% पॉपुलेशन जनसंख्या किसानों की थी। हाउ ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स, चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। अब जमीन की क्या हालत थी, जमीन के मालिक जो है किसानों की संख्या बहुत कम थी, मीन्स मालिक बहुत कम थे किसान, और लगभग 60% जमीन जो कुलीन वर्ग था यहाँ का, नोबल क्लास था, और चर्च से और तीसरे स्टेट के जो अमीर लोग थे उनका अधिकार जमीन पर था। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज कलैगी एंड नोबल्टी। जो फर्स्ट के दो स्टेट थे कलैगी और नोबल्टी, मीन्स पादरी और जो कुलीन वर्ग था, इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज। प्रिविलेज मीन्स जन्म से जिनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, बाय द बर्थ उनको कुछ विशेष अधिकार जन्म से प्राप्त थे। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीच वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स ऑफ द स्टेट। उसमें से सबसे बड़ा अधिकार उनके पास क्या था, राज्यों को जो टैक्स देते थे लोग, उनसे उनको छूट हासिल थी, यानी वो टैक्स नहीं देते थे। द नोबल फॉर द इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज, और जो नोबल लोग थे कुलीन वर्ग के लोग, उनको सामंती विशेष अधिकार भी प्राप्त थे, मीन्स कुछ राजा जो था वहाँ का उस प्रकार के अधिकार उनको सामंती अधिकार प्राप्त थे। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीजेंट। अब वो किसानों से जो है वो सामंती लोग वसूल करता था जो भी टैक्स या भोजन अनाज। पीजेंट वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स। अब जो किसान था उसने अपनी स्वामी की सेवा करनी थी, सर्विस करना, लॉर्ड में स्वामी के रूप में उसको मानता था, उसके घरों में खेतों में काम करना, और टू सर्व इन द आर्मी, आर्मी में काम करना, सेवाएं देना, या और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स, और रोड जब बनते थे उसमें सहयोग करना, ये थर्ड स्टेट को करना पड़ता था, जबकि नोबल्टी और कलर्गी लोग ऐसा कुछ नहीं करते थे, वो केवल काम पे लगाते थे। द चर्च टू एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड। अब जो चर्च किसानों से टैक्स करों का जो एक हिस्सा लेता था, उसको यहाँ पे टाइट नाम दिया गया है, फ्रॉम द पीजेंट, वो पीजेंट से आता था। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। और जो तीसरे स्टेट के तमाम लोग सरकार को टैक्स देते थे, इसको टाइट, धार्मिक कर जिसको बोला गया है, टाइट के नाम से इसको जाना जाता था। दीज इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स, टैली टाइल, इसको प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स टाइल बोला जाता था, और एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच वर लिव्ड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरी कंजप्शन लाइक साल्ट एंड टोबैको। उसके अलावा जो अनेक इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर थे, जैसे सॉल्ट और तंबाकू, मीन्स नमक और तंबाकू जैसे जो रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर वो लगाया जाता था। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्स वॉज बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। अब इस प्रकार राज्य का जो जितना फाइनेंशियल एक्टिविटीज, वित्तीय कामकाज होता था, सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। नाउ कम टू द न्यू वर्ड्स, राइट साइड में जो है यहाँ पर दिया गया है लिब्रे, फ्रांस की जो करेंसी है उसको 1794 में अपनाया गया, इसको लिब्रे बोला गया। कलर्गी, कलर्गी जो है ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, चर्च के विशेष कार्यों को
करने वाला समूह जो है क्लर्गी का था, और टाइड टाइड जो है टैक्स है जो चर्च के द्वारा लिया जाता था, चर्च के द्वारा वसूल किया जाता था। ये क्या था, कंप्राइजिंग 1/10 मीन्स एक दसवां हिस्सा था कृषि पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता था उसका दसवां हिस्सा चर्च को देना पड़ता था। इसको टाइड टैक्स कहा जाता है। टाइल टाइल जो टैक्स है टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, ये सीधे स्टेट को दिए जाने वाला टैक्स। दिस इज द पिक्चर, एक पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि बेचारा जो पुअर फॉलो गरीब है, एवरीथिंग ग्रेन फ्रूट्स मनी सलाड्स, मतलब अनाज फल पैसा सलाद सब कुछ लाता है, और जो फैट लॉर्ड मोटू लैंडलॉर्ड है सिट्स हियर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, और कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा है, पर सब वो डज नॉट हिम टू ग्रेस हिम विथ अ लुक, एक लुक से वो सभी को नहीं देखता है। और यहाँ पे द मोर एक कमेंट यहाँ पे है, द नोबल मैन इज द स्पाइडर द पीजेंट द फ्लाई। अच्छा यहाँ पे ये किया गया है, जो नोबल कुलीन व्यक्ति है वो एक स्पाइडर की तरह है, जो मकड़ी होती है मकड़ा उसकी तरह है, किसान एक मक्खी की तरह है। और हम यहाँ पे किसान पीजेंट क्या, द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स, मीन्स शैतान को जितना दो उसका जो है और ज़्यादा वो चाहता है, उसका लालच और ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे स्पाइडर और फ्लाई के रूप में एक चित्र बनाया गया है, इसकी कल्पना स्पाइडर और एक मक्खी के रूप में किसान को यहाँ पे दर्शाया गया है। नाउ कम टू 1.1, द स्ट्रगल टू सर्वाइव द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। अब यहाँ पे जो जनसंख्या है 23 मिलियन मीन्स 2.3 करोड़ थी फ्रांस की जनसंख्या 1715 में, जो कि 89 में बढ़कर कितनी हो गई, 2.8 करोड़, 28 मिलियन हो गई। दिस लेट अब इससे क्या हुआ, अनाज उत्पादन उसकी तुलना में जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, अनाज उत्पादन की तुलना में जो है जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन, जनसंख्या बढ़ेगी तो फूड ग्रेन की डिमांड जो है इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विथ द डिमांड्स, अब जो अनाज उत्पादन है वो उतनी मात्रा में प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स नहीं बढ़ पाया। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली, अब अधिकतर जो लोगों का मुख्य भोजन ब्रेड था उसकी कीमतों में तेज़ी से वृद्धि होती है। मोर वर्क व एम्प्लॉय एज अ लेबर इन वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स देयर वेज, अधिकतर जो वर्कर्स थे कारखानों में काम करते थे, मजदूरी करते थे लेबर के रूप में, जो मालिक के द्वारा तय होता है लेबरी फिक्स वेज, उनको मिलता था लेबरी पैसा फिक्स मिलता था, बट वेज डिड नॉट कीप पेस विथ द राइज इन प्राइस। अब क्या हुआ, मजदूरी जो है महंगाई की दर से नहीं बढ़ पाई, मीन्स मजदूरी तो फिक्स थी लेकिन महंगाई बढ़ गई, बट द वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस, शो द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइंडेड। अब इस प्रकार गरीबी और अमीरी की खाई, पुअर और रिच के बीच में बहुत चौड़ी खाई हो गई। थिंग्स बिकेम वर्स वन एवर डॉट और है रिड्यूस्ड हार्वेस्ट, अब स्थितियाँ जो चीज़ें हैं स्थितियाँ हैं वो और भी वर्स बदतर हो गई, जब सूखा या ड्रॉट या कभी हेल मीन्स ओले का प्रकोप वहाँ पर हुआ, इससे पैदावार और कम हो गई। दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड रिजीम, अब ऐसा जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस मीन्स आजीविका के जो संकट थे प्राचीन राजतंत्र में फ्रांस में काफ़ी आम बात थी, मतलब ऐसा फ्रीक्वेंटली अकर्स
फ्रीक्वेंटली मीन्स ऐसा होता रहता था। राइट साइड में सब्सिस्टेंस कृषि से एक नया शब्द यहाँ पर आया है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड, जब आजीविका का संकट चरम स्थिति पर होता है, मीन्स जीवित रहने के जो साधन हैं वो खतरे में पड़ जाते हैं, इंडेंजर्ड मीन्स खतरे में पड़ जाते हैं, बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मीन्स जो बेसिक संसाधन है जीवित रहने के, उस कंडीशन को सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोला जाता है। एनोनिमियस मीन्स वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, अनाम जिसका कोई नाम मालूम नहीं होता है, एनोनिमियस। नाउ कम टू 1.2 में आप देखिए हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस, मीन्स जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस जीविका का संकट है, आजीविका का संकट, वो कैसे हैपन्स उत्पन्न होता है। सबसे पहले तो बैड हार्वेस्ट होती है, अब बैड हार्वेस्ट होगी तो क्या होगा, खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा या पैसा नहीं मिलेगा हार्वेस्ट को बेचने से, इससे गरीबी होगी, पुअरेस्ट कैन नॉट बाय लॉन्गर ब्रेड, ऑफ जो गरीब लोग हैं वो लोग ब्रेड नहीं खरीद पाएंगे। बैड हार्वेस्ट होगी तो डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होगी, और इस प्रकार से फिर डिजीजेज आएंगे और लोग शारीरिक कुछ कमज़ोर होंगे, न्यूट्रिशन से नहीं मिल पाएंगे बच्चों को, या बैड हार्वेस्ट होगी तो किसान का परिवार तो वैसे ही पैसा नहीं कमा पाएगा। तो इस प्रकार से सब्सिस्टेंस क्राइस यहाँ पर होते हैं। नाउ 1.3 फिगर नंबर 4 यू कैन कंप्लीट फ्रॉम हियर, फूड ड्राइट्स और स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन मीन्स फूड राइट्स, खाने के लिए दंगे होंगे और अन्न अभाव होगा, स्कार्सिटी, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स, मृतकों की संख्या बढ़ेगी, और राइजिंग फूड प्राइस और फूड के प्राइस जो है ऊंचे होंगे और बढ़ेंगे, और वीकर बॉडीज और कमज़ोर शरीर होगा। ग्रोइंग मिडिल क्लास इनसेज एंड इंड्स टू प्रिविलेज, इसका मतलब है ग्रोइंग मिडिल क्लास, उभरता हुआ जो मध्य वर्ग है, इनसेज मीन्स इनसेज टू इंड टू द प्रिविलेज, विशेषाधिकारों की अंत की कल्पना की थी ग्रोइंग मिडिल क्लास ने। इन द पास्ट विजेंट एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन वॉट अगेंस्ट इंक्रीज टैक्स एंड फूड स्कार्सिटी, पहले जो है कर बढ़ने से, टैक्स बढ़ने से वर्कर्स ने अकाल के समय और कामगारों ने जो वर्कर्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया था, विद्रोह कर चुके थे, बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन सोसाइटी एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। अब इससे क्या हुआ, उनके पास जो है सामाजिक या इकोनॉमिक ऑर्डर, आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी जो चेंजेज हैं उनको लाने के संसाधन या मेजर्स, फुल स्केल मेजर्स नहीं थे, कोई ऐसा प्रोग्राम संसाधन उनके पास नहीं था जिससे सामाजिक या अर्थव्यवस्था में कोई चेंजेस लिया ला सकें हम। दिस वॉज फेल्ट दोज ग्रुप विथ इन द थर्ड स्टेट हु हैज़ बिकम द प्रोस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडिया। अभी जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई, उन समूहों को ये फेल्ट, उसको लगा, दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप, उनके ऊपर छोड़ दिया गया ये जिम्मेदारी, किनके ऊपर, जो प्रॉस्परस हैं, कुछ समृद्ध हो चुके हैं, या एजुकेशन एंड न्यू आइडिया जिनके पास हैं, शिक्षित विचार हैं जिन लोगों के पास, उनके ऊपर ये सब चीज़ें छोड़ दी गई। द 18th सेंचुरी विटनेस्ड द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्म्ड द मिडिल क्लास हु एंड देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फॉर्म द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड सच एज वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। अब 18वीं जो सदी 18th सेंचुरी में इसका ये गवाह विटनेस रह चुकी है कि एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ था जिसने, जिसको मध्य वर्ग कहा गया, मिडिल क्लास जिसको कहा गया, हु एंड देयर वेल्थ थ्रू, जिन्होंने कैसे पैसा कमाया, जो टेक्सटाइल का व्यापार है, समुद्र ऊनी रेशमी वस्त्रों का व्यापार है, उनका उत्पादन कर संपत्ति
कुछ पैसा उनने कमा लिया था, दैट वर आदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉड बाय रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। उन्हीं कपड़ों का निर्यात उनके द्वारा किया गया और समाज के जो समृद्ध लोग थे उसे खरीद लेते थे, रिच मेंबर्स उसको खरीदते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर, द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशन सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। अब तीसरे स्टेट में इन जो सौदागर थे खरीदने वाले और निर्माताओं के अलावा जो प्रशासनिक सेवा वो वकील जैसे पेशेवर लोग शामिल थे जो इनके प्रोडक्ट को खरीद रहे थे। नेक्स्ट, ऑल ऑफ दोज वो एजुकेटेड एंड बिलीव्ड नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। इन सब पढ़े लिखे लोग थे तो इनका मानना था कि समाज का कोई भी समूह के पास प्रिविलेज्ड मीन्स विशेषाधिकार, जन्म से कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। वेदर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मेरिट। किसी भी व्यक्ति की जो है सामाजिक जो हैसियत है उसके आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर सामाजिक हैसियत उसकी होनी चाहिए, मीन्स मेरिट के हिसाब से उसकी पोजीशन होनी चाहिए, किस प्रकार की क्वालिटी वो रखता है। दीज आइडियाज इनविसेजिंग सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वो पुट फॉरवर्ड बाई फिलोसोफर सच एज जॉन लॉक, जॉन जे की रूसो, जे जे रूसो। अब इस तरह के जो आइडियाज थे, स्वतंत्रता और समान नियम, फ्रीडम एंड इक्वल लॉ और समान अवसर के विचार पर आधारित जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत किया था। किस प्रकार के आइडियाज, जैसे सोसाइटी में फ्रीडम हो, इक्वल लॉज हो और अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सबके लिए विशेष सबके लिए अपॉर्चुनिटीज बराबर हो। इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन। अब लॉक ने उसमें क्या कहा है कि राजा ने जो डिवाइन देवी और निरंकुश अधिकारों का जो सिद्धांत है उसका खंडन किया है, एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। अब जो राजा के पास, मोनार्क के पास एब्सोल्यूट राइट्स है उनका खंडन किया है। अब रूसो क्या कहते हैं, रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उनने, रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जो उसके प्रतिनिधि हैं उनके प्रतिनिधि के बीच, जनता और उनके प्रतिनिधि के बीच सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध पर आधारित जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका प्रस्ताव उसने रखा। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ मोंटेस्क्यू, अब यहाँ पे एक नए दार्शनिक है मोंटेस्क्यू, प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विथ इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। और उनने अपना जो स्पिरिट ऑफ लॉज नामक जो एक रचना है उनकी, सरकार के अंदर उनने बोला कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मीन्स लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये मॉडल होना चाहिए। द मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन USA आफ्टर द 13 कॉलोनी डिक्लेयर्ड दियर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिक्स थिंकर इन फ्रांस। अब जब संयुक्त राज्य अमेरिका में, USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 13 कॉलोनी को ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया वहाँ पर अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पर भी ब्रिटेन की कॉलोनी अमेरिका में पहले हुआ करती थी, तो वहाँ पर इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस में भी जो है राजनीतिक जो चिंतक थे वहाँ पे, राजनीति की जो चिंता करते थे, वहाँ भी अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की जो गारंटी जो है फ्रांस के थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए एक प्रेरणा वहाँ पर बनी। द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसोफर वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलॉन्स एंड कॉफी हाउस, द स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। अब इस तरह के जो आइडियाज थे काफ़ी फेमस हुए, कहाँ पे, कॉफ़ी हाउस या सैलॉन की जो मीटिंग्स थी, गोष्ठियाँ थी, उसमें बहुत बहस हुआ करती थी, पुस्तकों
तक में जो अखबार के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी स्प्रेड अमंग द पीपल प्रचार प्रसार हुआ। दिस वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप फॉर बेनिफिट्स ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। साथ ही जो लोग अनपढ़ थे पुस्तक और अखबारों के बीच जा उनके बीच जाकर अखबार और बुक्स को जोर जोर से पढ़ा जा सक पढ़ते थे लोग, ताकि अनपढ़ लोग भी उनको उस चीज़ को समझ सके। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान्ड टू इम्पोज फॉर द टैक्स टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसिस ऑफ द स्टेट जनरेट एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। अब इसी बीच जो लुई 16 के द्वारा राज्य के खर्चों को एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए टैक्स लगाया जाना, इस खबर को जो विशेषाधिकार वाली व्यवस्था थी इस सिस्टम के खिलाफ पूरा प्रोटेस्ट वहाँ पर हुआ था, इस तरह की न्यूज़ सुन के। सोर्स वन। अब इसके क्या सोर्स हैं इस हिस्ट्री के, यहाँ पर दिया गया है अकाउंट्स लिव दे एक्सपीरियंस इन द ओल्ड रिजीम, जो प्राचीन रिजीम ओल्ड प्राचीन राजतंत्र है उन उसके अनुभवों का एक यहाँ पे अकाउंट्स है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। जॉर्ज डाटन हु लेटर बिकेम एक्टिव रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स रोड टू अ फ्रेंड इन 1793। 1793 में जो जॉर्ज डाटन थे उन्हें पढ़ाई पूरा करने के बाद आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय भाग लिया। अपने मित्र को एक पत्र लिखा है उनने यहाँ से, यह जॉर्ज डाटन और इंग्लिशमैन ऑथर यंग ने अपने जो ट्रैवल था अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया है, किस प्रकार फ्रांस में उन दिनों हालत थे और किस प्रकार लोग सफ़र कर रहे थे, एंड एक्टिविटी यहाँ पर एक करने के लिए दिया है क्वेश्चन। उसके बाद सेगिन द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, मीन्स क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन क्रांति की शुरुआत कैसे हुई इसको स्टार्ट करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं 9th की पूरी SST को पढ़ने के लिए। वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन इस चैनल में किया जाएगा।